शिक्षकों का प्रशिक्षण भी नई शिक्षा नीति के केंद्र में है। नीति में मौजूदा शिक्षा व्यवस्था की खामियों को दूर करने की पूरी कोशिश की गई है। इसमें छात्रों के साथ शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किया गया है, जिससे उनकी योग्यता का फायदा छात्रों को मिल सके। इसके लिए अगले 2 सालों के भीतर शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर का मानक तैयार किया जाएगा। नमस्कार, मैं कविता आप सभी का कविता इज हियर यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए, क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, इसकी पड़ताल कर लेते हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार जल्द ही शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर का मानक तैयार होगा। शिक्षकों के लिए अगले 2 साल के भीतर न्यूनतम डिग्री बीएड तय होगी, जो उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 1 से 4 साल की होगी। ये एमए के बाद 1 साल और इंटरमीडिएट के बाद 4 साल की होगी। शिक्षा नीति में वर्ष 2022 तक 2022 तक नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन NCTE को टीचर्स के लिए एक समान मानक तैयार करने को कहा गया है। ये पैरामीटर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स कहलाएंगे। काउंसिल ये कार्य जनरल एजुकेशन काउंसिल के निर्देशन में पूरा करेगी। सरकार ने कहा कि साल 2030 तक सभी बहुआयामी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पठन पाठन के कोर्स को संस्थानों के अनुरूप अपग्रेड करना होगा। साल 2030 तक शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री बीएड होगी। इसकी अवधि 4 साल हो जाएगी। नेक्स्ट वन, बीएड के लिए कुछ इस तरह से व्यवस्था की जाएगी कि बीएड की 2 साल की डिग्री उन ग्रेजुएट छात्रों को मिले जिन्होंने किसी खास सब्जेक्ट में 4 साल की पढ़ाई की हो। 4 साल की ग्रेजुएट की पढ़ाई के साथ एमए की भी डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को बीएड की डिग्री 1 साल में ही प्राप्त हो जाएगी, लेकिन इसके जरिए विषय विशेष के शिक्षक बन पाएंगे। नेक्स्ट वन, बता दें कि नई शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि बीएड प्रोग्राम में शिक्षा शास्त्र की सभी विधियों को शामिल किया जाए। इसमें साक्षरता, सांख्यात्मक ज्ञान, बहुस्तरीय अध्यापन और मूल्यांकन को विशेष रूप से सिखाया जाएगा। इसके अलावा टीचिंग मेथड में टेक्नोलॉजी को खास तौर पर जोड़ा जाएगा। इस शिक्षा नीति में के कस्तूरी रंगन कमेटी की उन सभी सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूर किया है, जिसमें शिक्षकों के प्रशिक्षण में व्यापक सुधार की बात कही गई थी। इसमें सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की थी। कमेटी की उन सिफारिशों को भी मान लिया गया है, जिसमें स्तरहीन शिक्षक शिक्षण संस्थानों को बंद करने की बात कही गई थी। अब सभी शिक्षण तैयारी शिक्षा कार्यक्रमों को बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों / कॉलेजों में स्थानांतरित करके शिक्षक शिक्षण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव का भी प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा 4 वर्षीय एकीकृत चरण वाले विशिष्ट बीएड कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों को अंततः न्यूनतम डिग्री की योग्यता प्राप्त हो सकेगी। देश में एक जैसे शिक्षक और एक जैसी शिक्षा को आधार बनाकर इस समिति की सिफारिशों को लागू किया गया है। अब विद्यालयों में स्थानीय ज्ञान और लोक विद्या जैसी जानकारियों के लिए स्थानीय पेशेवरों को अनुबंध पर लिया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में या फीडबैक के रूप में जरूर बताएं।